इसमें वॉइसिस की बात कर रहा था पीछे में से 11th क्लास में, एंड ये क्लास की क्लास है, दोनों क्लासेस के लिए है, 11th एंड 12th दोनों। इसमें टुडे आई एम गोइंग टू टेल द इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस, उनको इंपरेटिव को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है वो आई एम गोइंग टू टेल समझा रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस दो सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब, दोज सेंटेंसेस स्टार्ट विद वर्ब आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? इंपरेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले मैं इंपरेटिव से पहले आपसे मॉडल्स की बात कर रहा था। मॉडल्स को हमें सॉल्व करना होता है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, जैसे सी कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। सी सब्जेक्ट सॉल्व वर्ब दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट तो दिस डिफिकल्ट दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई हर। जितने भी हमारे मॉडल्स यूज होते हैं, मॉडल्स यूज होंगे, मॉडल्स के साथ में प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। जस्ट फॉर सी मे ब्रिंग कॉफी फॉर यू, तो द कॉफी ब्रिंग्स मे बी ब्रॉट बाय हर और द कॉफी मे बी ब्रॉट बाय हर फॉर यू। ये मॉडल्स की बात करता हूँ, पिछले लास्ट क्लास में समझाए थे, एक बार फिर देखिए दोबारा देखेंगे कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो। बट नाउ आई एम टॉकिंग टू अबाउट द इंपरेटिव सेंटेंसेस, लेकिन अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था वो इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा था। और इंपरेटिव सेंटेंस मैं कह रहा था जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इन्हें हम दो तरीके हैं। एक लेट से सॉल्व होते हैं, लेट का फॉर्मेट होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड
थर्ड फॉर्म या यू आर, आपको रिक्वेस्ट लगती है तो यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइस लगती है तो यू आर एडवाइस, आपको ऑर्डर लगता है तो यू आर ऑर्डर, सजेशन लगता है तो यू आर सजेस्टेड, कमांड लगती है तो यू आर कमांडेड। एडवाइस ये आपको देखना होता है। इस फर्स्ट हम कहें कि प्लीज ओपन द गेट, ये प्लीज है, अब प्लीज आप कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट। तो यू आर एक तो तरीका है कि यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड कर दिया, कुछ नहीं किया आपने, प्लीज रिक्वेस्ट कर दी तो प्लीज खत्म हो गया अपने आप में, टू लगाइए टू ओपन द गेट, कुछ नहीं करना, फॉर्मेट वॉस किया सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं, बड़ा इजी सर है, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसे लेट से भी सॉल्व होना चाहिए। अगर आप लेट से सॉल्व करें तो क्या है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट क्या है, द गेट बी ओपन, लेट ऑब्जेक्ट द गेट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द गेट बी ओपन, बड़ा आसान सा है, बहुत आसान सा, कोई तक प्रॉब्लम नहीं। आपको यू आर से आसान लगता है तो यू आर से करिए सॉल्व, आपको लगता है कि नहीं लेट से इजी है तो लेट से सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपका मन करे। जैसे फॉर Bring me one glass of water. तो आप अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर, और यू आर से रिक्वेस्ट करना होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ। अगर लेट से करें तो लेट वन ग्लास ऑफ वॉटर शुड बी ब्रॉट, शुड बी ब्रॉट इसके लिए फोर डू इट एडवांस, डू इट खाली इतना ही है, एडवांस का तो कोई यूज नहीं है, डू इट
अगर भाई सीधा सा ऑर्डर दे रहे हैं डू इट, तो जिस तरीका यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, द लेट से करें तो लेट इट बी डन एट वन, पूरा लिखे तो क्या होना चाहिए बाई यू, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं होता, लेट इट बी डन एट वंस, सो तुरंत किया जाए, बाई यू का कोई यूज नहीं होता है इंपरेटिव में, बाई का यूज होता ही नहीं। एंड अगर इसमें डोंट आता है तो इसे यूज करता है नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कहें कि डोंट टच माय बुक्स, इसे सीधा सा ऑर्डर दे रहे हैं आप उसको, तो यू आर ऑर्डर्ड not to touch my books। अब से let से करें तो let my books not to be touched, just to not to be touched। आसान एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर your advice not to waste your time, yeah, let your time should not to be wasted, yeah, not to be wasted। ओपन योर बुक्स, सीधे सी बात है कि ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड यू आर ऑर्डर टू ओपन योर बुक्स। लेट्स करें तो let
your books. Open. ये इंट्रोडक्शन सेंटेंसेस आसान सा है, आपको लगता है यू आर से आपको ऑर्डर लगता है तो ऑर्डर, एडवाइस लिखिए तो एडवाइस, सजेशन लगता है सजेशन, कमांड लिखती है तो कमांड, एंड रिक्वेस्ट लगती है तो रिक्वेस्ट, एंड टू लगानी है, टू लगाना है केवल, और प्लस सेंटेंस को उठाकर उसके आगे लिख देना है। और लेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट से करेंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि ये हाउ टू सॉल्व, कैसे आप सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी सा है, आप सॉल्व करेंगे पीछे वॉइसिस जो जितनी सारी हैं पीछे मैंने आपको समझाई है कि केवल इसमें लास्ट स्टेप बचता है। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका हम सेंटेंसेस में यूज कुछ वर्ड नहीं करते हैं, फॉर लाइक दैट, जैसे someone, no one, anybody, somebody, everybody. These words are mostly ज्यादातर कहीं कहीं पर यूज हो जाता है, कहीं कहीं पर एवरीबडी एनीबडी के यूज हो जाता है, बट समवन, नो वन, somebody, everybody, इनका हम बेसिकली यूज नहीं करते हैं इसमें। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कहें आप someone has stolen my book, someone has stolen my book, और someone use हुआ है तो someone has stolen book, तो my book has been stolen, ये sentence यहां तक complete हो गया, जबकि पूरा लिखे है तो क्या होना चाहिए, by someone, but it is not used, इसका use नहीं होता है। समान इनका फॉर्मेट हुआ ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जी, एंड पेपर कॉमन वर्ड जैसे पीपल भी वो यूज नहीं करते हैं, सब कहे कि पीपल स्पीक हिंदी। तो Hindi is Hindi is spoken in India. क्योंकि कायदे से पूरा क्या होना चाहिए था, by
people, but not used. इसका यूज नहीं होता. आप कहें कि नोबडी कैन टच द स्काई, तो द स्काई कैन नॉट ये सेंटेंस यहां तक इतना होगा. आप कहीं से पूरा लिखे हैं तो बाई क्या होना चाहिए था, एनीबडी, बट एनीबडी आ रहा है कुछ तो है, तो क्या होता है वो नॉट यूज मैटर, नॉट यूज मैटर. ऐसे इस और लिखें कि वन शुड वंस प्रॉमिस, ये वन भी ओमिटेड होता है कैसा ओमिटेड है. वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो प्रॉमिस should be kept, बस इतना ही होना चाहिए. प्रॉमिस शुड बी कैप्ट, बाय समवन नहीं होगा, केवल उतना ही होगा, प्रॉमिस शुड बी कैप्ट. इसमें अलावा आप हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस, जैसे कहें कि आप आई एम टू रीड दिस बुक, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो दिस बुक इज टू बी रेड बाय, ऐसे पूरा सेंटेंस करें तो दिस बुक इज टू बी रेड. इसके अलावा जैसे कहें कि वी आर टू बाय ए कार, तो ए कार इज टू बी
इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू वाले जो सेंटेंस आते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आपको उसको करना है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में ले जाना है, कुछ नहीं करना। एक्सेल सेंटेंसेस फोर वाले सेंटेंसेस भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज टाइम क्लोज द तो दिस इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो दिस इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज। अगर ये टाइम वाले सेंटेंसेस आते हैं, दिस इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो इसका फॉर्मेट हुआ आपके पास में This is time या it is time। तो उसके लगाएंगे फोर ऑब्जेक्ट प्लस टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फोर वाले सेंटेंस आएंगे, ये सिर्फ जो टाइम वाले सेंटेंसेस हैं। टाइम वाले सेंटेंसेस में आप करें दिस इज टाइम टू क्लोज द शॉप, दिस इज टाइम फॉर द शॉप, इसका फॉर्मेट हुआ दिस इज टाइम या इट इज टाइम, फॉर ऑब्जेक्ट फॉर द शॉप टू बी क्लोज, या हेल्पिंग वर्ब भी हम कई बार यूज करते रहते हैं टू बी क्लोज, खाली टू बी क्लोज। इसके अलावा वी हैव सम सेंटेंसेस वेयर यू डोंट यूज बाय, इन प्लेस ऑफ by we use to or with, जैसे I know him, आप इसे पैसिव कन्वर्ट करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हिम आई नो हिम, तो ही इज नॉन टू, ही इज नॉन टू,
नॉन के साथ में केस ओवर टू का यूज करना होता है। डोंट यूज बाय। Does not know you. Who को आप जानते हैं who does not know you. So by whom are you not? By whom are you not known? And some places. Satisfied and diseases with सॉल्व करें तो क्योंकि प्रॉपर ऑब्जेक्ट है तो एवरीवन इज प्लेज्ड विद हिज बिहेवियर्स। सेटिस्फाइड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को आप चेंज करना होता है वॉज और वर। तो द टीचर वॉज
teacher was satisfied with the head teacher. Was satisfied with the teacher's work. ये चार्म था वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए क्या यूज करना था, वाज ऑफ वर्ब। ये है तो सेंटेंसेस जहां पर हम वी डोंट यूज बाय, बाय का यूज नहीं होता है, विद का यूज करना होता है, एंड टू का यूज मैंने आपको बताया, एंड सम प्लेसेस वी यूज एट, और कुछ जगह पर प्लेसेस एट का यूज भी, हाँ एट का यूज भी होता है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू, बता देता हूँ आप लोगों को,
एस्टोनिस्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई वॉज एस्टोनिस्ट एट हिज at my failure. ये कुछ जगह हैं जो पीछे मैंने आपको बताई जहां पर हम वी डोंट यूज बाय का यूज नहीं होता है, एट का यूज करते हैं, टू का यूज होता है, विद का यूज होता है, कुछ वर्ड ऐसे जैसे सम वन है, नो वन है, आर नॉट यूज, वो यूज नहीं होते हैं क्लास क्लास में, क्योंकि दोनों क्लासेस के लिए क्लास है, तो इसमें जो भी सेंटेंसेज आते हैं, जो इंटरेक्टिव सेंटेंसेज आते हैं, इंटरेक्टिव सेंटेंस भी सॉल्व करना बताया, जो भी प्लेस में ना बताए, वो जो जहाँ पर आप बाय का यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ टू का यूज़ होता है, एट का यूज होता है और विद का यूज होता है, कुछ जगह होती है जहाँ इन का यूज़ भी होता है, जहाँ उसका बाय का यूज नहीं होकर के इन का यूज होता है। एंड आई थिंक आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, आपसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जो पीछे मैंने वॉइस सहारे कराए हैं आप लोगों को, 11th क्लास में सारे वॉइस कराए हैं, वो वॉइस आप एक्सरसाइज करके तो ऑन चलो मंडे छोड़िए, आप दो दिन है ट्यूजडे सॉरी सैटरडे संडे मंडे तीन दिन है आपके पास में, ऑन ट्यूजडे मुझे कॉपी सबमिट करिए स्कूल में, मुझे कॉपी दिखाइए। पीछे मैं कहता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग कॉपी दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, ऑन ट्यूजडे कॉपी लेकर के आइए, मैं स्कूल में ही आप लोगों को मिलूँगा। इस ये टॉपिक क्लोज है, इस टॉपिक के बाद में वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो डू दिस वर्क इन कॉपी, इस कॉपी में करिए इस काम को आप लोग।